सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है मुन्ना किट्टो ब्लॉग के चैनल पे। उसके पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे, जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हो गया है शनिवार का दिन और तारीख हो गया है 23 तारीख, और इस साल जाने वाला है नया साल। भगवान करे सबकी जिंदगी में नए नए खुशियाँ आए, खूब खुशियाँ आए। और नया साल सोमवार के दिन भोले बाबा के दिन से शुरू हो रहा है, और उस समय हम लोग कहाँ रहेंगे, बाबा के चरणों में रहेंगे, बाबा के धाम में रहेंगे नए साल पे। तो हम लोग जा रहे हैं कुबेरेश्वर धाम, जो सीहोर, जो उज्जैन के पास पड़ता है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि उज्जैन भी जाना, दर्शन करना, लेकिन हम उज्जैन के लिए भी देख रहे थे लेकिन नहीं मिल रहा था टिकट उज्जैन का। तो देखते हैं, बाबा का बुलावा रहेगा तो उज्जैन भी दर्शन कर लेंगे। और आप लोग को मुझे कंटिन्यू ब्लॉग देखिएगा, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव भी आऊँगी और आप लोग को लाइव दर्शन कराएंगे। अगर आप लोग लाइव दर्शन करेंगे और जो भी मनोकामना वहाँ पर, जहाँ मैं बता रही हूँ, लाइव दर्शन कैसे कराओगी, वहाँ मोबाइल चलाने देंगे? हाँ, वहाँ मोबाइल चलता है, पता नहीं और हाँ। तो नहीं चलाने देते थे, पता नहीं, नहीं। वहाँ कुबेरेश्वर धाम जो सीहोर में, अच्छा, है, सीहोर का वहाँ भी, और वहाँ भी चलाते हैं। महाकाल जो गई थी ना सोनम, वहाँ भी फोटो खींच रही थी, वहाँ भी चलाने देते हैं। इसी बात, अंदर नहीं ले जाए, बाहर ही कराते हैं। और जब हम कुबेरेश्वर धाम जाएंगे, कुबेरेश्वर धाम, वहाँ तो लाइव भी कराएंगे। और इंस्टाग्राम पे मुझे लाइव वंदना से फॉलो कर लीजिएगा और आप लोग लाइव दर्शन करिएगा। मैं लाइव आऊंगी 1 तारीख को, कभी भी आ सकते हैं और आप लोग को दर्शन कर। तो आप लोग भी फटाफट पहुंचिए सीहोर कुबेरेश्वर धाम, वहाँ पे हम लोग जो नहीं पहुंच सकते हैं, मैं लाइव आऊंगी, लाइव के माध्यम आपको दर्शन कराऊंगी। और घर बैठे नए साल पे बाबा से जरूर कुछ मांगेगा, बाबा जरूर पूरा करेंगे। वहाँ बाबा का दर्शन करिए, महादेव का दर्शन करिए, हम आपसे मिलेंगे, आप हमसे मिलिए, एक दूसरे से मुलाकात होगी नए साल के आस पास के हैं। हाँ। वो आ जाइएगा, क्या पता इसी बहाने हमारी मुलाकात। आप लोग बोलते हैं ना कि आप लोग आते हैं तो बताते नहीं है, तो हम लोग जा रहे हैं, आपको पहले ही बता दे रहे हैं। बाद में ये मत बोलिएगा, हमने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप पहले मत करिएगा और बिल्कुल भी आगे मत करिएगा, बढ़ाइएगा, जैसे कि वीडियो को पूरा फुल वीडियो देखिएगा, तभी आपको बात समझ में आएगी। फिर बाद में मत बोलिएगा कि अरे हमने तो स्किप कर दिया था, हमने देखा नहीं वीडियो। अब वीडियो की स्किप तो बिल्कुल मत किया, क्योंकि कभी कभी कुछ अच्छी अच्छी बातें होती है जो आपको जानकारी या कुछ भी बातें होती है, आप लोग सोचते हो, फिर बिना कहे सोचे अला भला कोई कमेंट कर देता है। तो चलिए, मैं तो आ रही हूँ 1 तारीख को सीहोर कुबेरेश्वर धाम, जहाँ मैं भोपाल उतरूंगी, भोपाल से फिर गाड़ी करेंगे सीहोर के लिए जाएंगे। तो जिनको मिलना हुआ सकते हैं और लाइव दर्शन कराएंगे, इंस्टाग्राम पे मुझे लाइक वंदना से जरूर फॉलो कर लीजिएगा और फिर अच्छी अच्छी वीडियो आएगा। तो चलिए, ये सब बातें हो गई, आज 23 तारीख हो गई, इस सब का आज पेपर खत्म हो जाएगा और फिर सोनाक्षी का देखो कब शुरू होता है। तो यहाँ हम सुबह सुबह अपना नहाना धोना पूजा पाठ जो भी होता है सब काम हो गया है। अब किचन में आ गए हैं, यहाँ पर ऋषभ को सवेरे में आप लोग कहते हैं ऋषभ को लंच में क्या देते हो, ऋषभ या कचौड़ी ले जाता है या पराठा ले जाता है, उसके साथ पनीर की सब्जी हो गई, मसालेदार तो ले जाता है, अगर भुजिया देंगे नहीं ले जाएंगे, उसके साथ अचार ले जाता है, फ्रूट वगैरह लेकर नहीं जाता है। क्योंकि ना काट कर तो काले पड़ जाते हैं, मैं अगर देती भी हूँ तो सम्मा सम्मा छोटा छोटा दे देती हूँ। तो यहाँ हमारा सब काम हो गया है, काम क्या, पूजा पाठ हो गया है, घड़ी में बज गए हैं 10। तो नाश्ता में बना रहे हैं प्याज के पराठा, देख सकते हैं यहाँ प्याज, मिर्च और अदरक, लहसुन और ये डाल दिए हैं, अजवाइन, नमक, इसको मैं आटे को गूंथ रही हूँ। और एक तरफ इधर दिखाइए, चाय बना रही हूँ, दूध उबल रहा है, फटाफट इसको सेकेंगे। आज हम लोग सुबह सुबह ही उठ गए थे, सुबह उठे थे फिर भी वही टाइम हो जाता है, लेट हो ही जाता है, और दिन ऐसे बीतता है, पता ये करेंगे गाड़ी जल्दी जल्दी भाग रहा है क्या, ऐसे दिन बीत रहा है पता ही नहीं चल रहा है। और क्या, गाड़ी बहुत तेज भाग रहा है, गैस निकल रहा है क्या, स्मेल कर रहा है मुझे, मुझे भी लग रहा था। सुबह ऋषभ को पराठा सेक रहे थे ना, सुबह मुझे भी लग रहा है। चलिए, आप सब वीडियो बने रहिए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, नाश्ता करके मिलते हैं। हे गाइस, जैसा आपने देखा वीडियो में, सुबह नाश्ता पानी खाना बना रहे थे, करने के बाद खा पी कर ना, आजकल क्या होता है, नाश्ता ही कर लो तो दोपहर में लंच ही नहीं, मतलब भूख नहीं लगती है। तो पतिदेव खा कर चले गए थे, अब हम लोग भी खा लिए थे, सुनाची भी खा ली थी, ऋषभ भी चला गया था स्कूल, स्कूल से आया तो ऋषभ बोला कि अरे मुझे कुछ खाना है, तो पपीता था, पपीता काट के दे दिए थे, फिर पराठा सेक कर दिए, खाया, प्याज का पराठा ऐसा होता है हमारे घर में, सब पसंद करते हैं, उसी से पेट भर गया था। फिर ना दोपहर में आज लंच नहीं बनाए थे, पराठा ही खाकर हम लोग रह गए थे,
फिर सो गए थे और ठंड का समय है और दिन बहुत तेजी तेजी भागता है और टाइम कब बीतता है पता ही नहीं चलता है। अभी मार्केट से आई हूँ सब्जी लेकर, सीढ़ी पर चढ़ो तो खांसी आने लगता है। तो फिर सब्जी लेकर आए हैं, अब मैं दिखाती हूँ सब्जी। तो मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ मिल रही है और मौसम के हिसाब से यही है कि घर में खाने वाले के लोगों का मन पसंद अब कैसे क्या कर सकते हैं। फिर भी लेकर आए हैं, चलिए आपको दिखाते हैं बैक कैमरा करके। आई हो आप लोग भी यही सब्जी अपने घर में इस समय लाते होंगे। मैं देखो क्या लाई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए टमाटर लेकर आए और इसके साथ मिर्ची दे दिए थे और ये अदरक लेकर आए और ये मूली तो पहले का ही था और इधर आलू बहुत कम प्रयोग करते हैं तो आलू लेकर आए थे। अभी आलू को धुलेंगे, ये पुराना आलू है, लहसुन था लहसुन नहीं लेकर आए और प्याज लेकर आए 2 किलो प्याज और सब्जी निकालते हैं इसमें से। तो देखिए ये देसी धनिया था जो गांव वाला बेचते हैं। धनिया भाई 2 किस्म का होता है और ये जो देसी धनिया होते हैं ना छोटे छोटे डंडियों में होते हैं और खुशबू होती है, तो वैसा धनिया 10 रुपये पाव था और ये वाली धनिया 20 रुपये पाव। और यहाँ 20 का मैंने 100 ग्राम लहसुन, हरी वाली लहसुन लिया है। कोमल बोलती है कि अरे ये वाला लहसुन मिले तो इसका ना निमोना हो गया, चूरा मटर हो गया या चोखा में किसी चीज़ में डालो इसका स्वाद अलग होता है। तो ये 20 का ये लेकर आए और ये लेकर आए और 2 किलो गाजर लेकर आए। ठंडी के मौसम में अगर गाजर का हलवा बना कर ना खाओ भाई तब तो बेकार है। और क्या ले आए, 1/2 किलो मैंने बथुआ लेकर आई हूँ जो 30 रुपये का 1/2 किलो, कहीं 10 रुपये का एक पाव मिल रहा था लेकिन सब्जी भी आजकल 2-2 वेराइटी की जगह हम लोग बेचते हैं तो 1/2 किलो बथुआ ली हूँ। और ये इसको क्या बोलते पत्ता गोभी लिया और 1 किलो हरी मटर लिया और 1/2 किलो बैंगन लिया। बैंगन वैसे खाते नहीं लेकिन मेरा ना काफ़ी दिन से बता रहे ना मेरा खाने का मन कर रहा है चोखा, बैंगन का चोखा लिट्टी, तो हम बनाएंगे आज यही डिनर में। और ये मसाला मेरा गांव से आया है, किट्टो के घर पर है तो हींग ख़त्म हो गया था तो ये बादशाह सुपर हींग है, बोला बहुत अच्छा होता है। इसको खोले भी नहीं है तो भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है पहले से ही। और ये गरम मसाला लेकर आई हैं जैसे सब्जी में डालना होता है, मैं घर पे नहीं बना, मुझे घर वाला मसाला अच्छा नहीं लगता है। ये गरम मसाला 50 रुपये का बनवा कर लाए, इसको डब्बे में भरेंगे और मेरा मसाला आयो किट्टो के घर पर है। और यहाँ 2 पैकेट मैंने मशरूम लिया 60 रुपये का 2 पैकेट मशरूम अच्छी वाली है पैकेट में है बड़ा वाइट वाइट है तो 2 पैकेट मशरूम लिया। और यही सब सब्जी वगैरह लेकर आए हैं और ये सब सो गया है। सोनाक्षी गाजर को रेत के खा रही है तो आज हम डिनर में बनाएंगे, मेरा काफ़ी दिन से कह रहे हैं ना मेरा चोखा खाने का मन था, बैंगन का चोखा बनाएंगे, आलू बैंगन टमाटर का और बाटी बनाएंगे, वो भरने वाला बाटी नहीं सादा वाला, और फ्राई दाल बनाएंगे। तो पहले सबसे क्या करते हैं सब्जी यहीं रखे हुए हैं यहाँ पर और हम जानते हैं किचन में बैंगन एक तरफ रखते हैं भूजते हैं, एक तरफ आलू रखते हैं फ्राई मतलब भूजने के लिए। ये सबसे ज़्यादा मेहनत तो चोखा बनाने में लगेगा, चोखा बना लेते हैं फिर उसके बाद अरे दाल तरफ डालेंगे फिर आटा गूँथ लेंगे फिर लिट्टी बनाएंगे। तो ये वाला ब्लॉग यहीं से एंड करते हैं, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर खूब कर देना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।